वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक वालेकुम ठाक खैरियत सलाम। से? एक तो ये जो बीच में बोलता ना शज़ेब, देखा ही होगा आपने लास्ट व्लॉग में कैसे वो डॉगिस को बुला रहा था। बिल्कुल तो खैर, अभी जो है ये है कि शज़ेब की जो है ना लास्ट वीक गुजरी है बर्थडे, और इनकी जो ट्रीट है वो पेंडिंग है अभी, और जो ट्रीट है वो मिलेगी हमें कल। तो कल जारी बात है, खाने के बाद हमने खाना है स्वीट डिश, कुछ ना कुछ मीठा तो यू नो कि मीठा होना लेनी है चाहिए। बदमाशी के साथ आज ही ले रहे हैं स्वीट नहीं, डिश। बदमाशी वाली बात ही कोई नहीं है। अब मसला ये है कि मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, सियालकोट के अंदर भी गर्मियों की तरफ जाना मौसम अब जा रहा है। तो हमने शहदेव से कहा है कि भाई ट्रीट आपकी कल है, कल जो आपने मीठा खिलाना है तो आप हमें एडवांस के अंदर जो वो मीठा खिला दें आज, और बिल्कुल बकाया जो ट्रीट है वो हम इनसे कल ले लेंगे। कल जी क्या जी बारबेक्यू करना है, क्या करना है कल हमने? बारबेक्यू इंशाल्लाह, हाँ, कल हम शायद जो ट्रीट है उसमें हम बारबेक्यू करेंगे। तो साथ में शनिवारी ऑर्डर दे आए हम, जी शनिवारी भी ऑर्डर दे आए हम, शनिवारी शनिवारी और क्या है? एक अरेबिक डिश माशाल्लाह, जो मतलब सर अच्छा, पसंद बस है। बस। तो अभी ये है कि हम शहजेब से जो है वो एडवांस के अंदर ही कुछ मीठा खाएंगे, यू नो कुछ मीठा हो जाए। तो फिलहाल जो है हम आज जा रहे हैं ग्रैंडियोज, मतलब इतना कोई खास किस्म का मीठा नहीं करना, बस छोटा मोटा सा लाइट सा, यू नो लाइक एक आइसक्रीम खानी है हमने ग्रैंडियोज से, जो कि हमारे यहाँ पे सदर में है। तो बस वो खा के फिर हम जो है आज घर को वापस जाएंगे, और फिर कल जो ट्रीट होगी शहजेब की तरफ से उसका हम वेट करेंगे। तो वैसे तो यह है कि मैंने, शहजेब ने और आदिल भाई ने, हम सब ने जिम स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारा तो प्लान यही था कि हम इस मंथ के अंदर जो है कुछ भी इस तरह का मतलब फास्ट फूड वगैरह नहीं एग्जैक्टली खाएंगे, लेकिन स्टिल आदिल भाई और शहजेब भाई ये दोनों खा रहे हैं। मैं इनके मुकाबले में थोड़ा सा कम खा रहा हूँ, या कह लें कि बहुत कम खा रहा हूँ। फास्ट फूड की बात कर रहा हूँ, खाने की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, रात तो को फिर है 1-2 बजे आपकी कॉल आती है, यार शायद भूख लगी है कुछ खा कर है, फिर हम यार, डाइट शॉप। वो सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ है कि जब मैंने कहा था कि रात को 2 बजे की भूख लगी है, उसके बाद मैंने नहीं कहा, क्योंकि वो तब स्टार्टिंग थी। लेकिन यह कि अब मैं रात को जो है अपना कंट्रोल करता हूँ भूख को, क्योंकि खाने का जो टाइम बेसिकली होता है वो 8 बजे होता है, उसके बाद आप खाओगे तो वो आपका फैट बनेगा। जी तो अभी जो है हम जा रहे हैं ग्रैंडियोज, और वहाँ जाके हम आइसक्रीम खाएंगे शहजेब की पॉकेट से, और फिर आपको दिखाएंगे कि हम कौन कौन सी जो आइसक्रीम्स है वो खा रहे हैं। जी हम लोग ग्रैंडियोज पहुँच चुके हैं। हमारा प्लान था जी आइसक्रीम खाने का, और आदिल और शरोज ये जनाब घुस गए हैं ग्रैंडियोज स्वीट्स के अंदर। और आदिल भाई के मुताबिक इन्होंने आइसक्रीम जो है वो इसलिए नहीं खानी क्योंकि उसके अंदर जो है वो फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये अब खाने गए हैं गुलाब जामुन या रसगुल्ले, मतलब सीरियसली दोनों में फैट्स, बल्कि वैसे मिठाई पिज्जा में जो वगैरह है खा लेते हैं आदिल भाई। नहीं, पिज्ज़ा तो वो तो मतलब खाते हैं वो। मैंने कभी उससे बात की है, मैंने कहा पिज्ज़ा क्यों खा रहा है वो, मैं अपना वो एनर्जी भी तो चाहिए ना। सही है भाई, जिम का फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो खैर अभी मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो इसलिए ये लोग जो है अब मायूस होके वापस आ रहे हैं। तो अभी हम जो है वो आइसक्रीम ही खाएंगे। तो आइसक्रीम्स के अंदर जो है वो 3-4 फ्लेवर्स हैं, एक ब्लैक करंट है, एक मैंगो है, एक वनीला और चॉकलेट है आई गेस, और एक और फ्लेवर है। तो अभी शायद हम कौन खाएंगे, मैं तो खाऊंगा वनीला और चॉकलेट इन केस, अगर तुमने हमें कौन ही खिलानी है तो। जो जो मर्जी खा लो यार, चलो ठीक है, अभी जो मर्जी खा लो, ऑफर हो गया। क्या अब ऑर्डर हुआ दे के फिर क्या आपको हुआ? बताते हैं। ऑर्डर जो है वो हमने दे दिया है 3 चॉकलेट वनीला कोन्स का, और आदिल भाई जो है वो बेसिकली रसमलाई खाने गए थे, लेकिन वो नहीं खा के क्योंकि यहाँ पे थी नहीं। और आइसक्रीम जो है वो इसलिए नहीं खा रहे, इसको क्या हो रहा है, आइसक्रीम जो है वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं। आइसक्रीम जो है वो हमारी आ गई है, और अब ये लो हम ये पकड़ा कौन लो ये। खाएंगे। तो वैसे जो हम खाते हैं आइसक्रीम वो हम खाते हैं वो सामने जो स्वीट डायरेक्टरी है इसके ऑपोजिट साइड पे। तो काफ़ी अर्से बाद मैं यहाँ से खा रहा हूँ आइसक्रीम, और इनका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो खैर हम आइसक्रीम खा लें, और अगर मज़ीद जो है कोई हमें हम कहेंगे या कोई बात वगैरह हुई तो वो आपको बता के, तो आपसे फिर चाहेंगे हम इजाज़त। और कल जो है फिर हम जो ट्रीट है शहजेब भाई की वो आपको दिखाएंगे, और देखें हम खुद भी देखेंगे आखिर किस स्ट्रीट में क्या होता है, क्या कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, खैर पता नहीं वो तो कल जरूर देखते हैं लगेंगे फिर। सारी। तो अभी जो है वो आदिल भाई का प्लान बना था कि वो खाएंगे फ्लैशर बर्गर, जो कि यहाँ पर एक बेकरी है बेकर्स इन सियालकोट के अंदर, वहाँ से मिलता है। तो खैर मैंने मना किया उसको, क्या तुम जिम भी कर रहे हो? तो अब उन्होंने जो है वो मंगवाया है एक फ्रेश जूस, ये वाला। अब मुझे नहीं पता ये क्या टेस्ट होगा, अगर मैं ट्राई करूँ भी तो मुझे जो है वो टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आइसक्रीम खा रहा हूँ, लेकिन स्टिल चेक करते हैं। इतना
मेरे हाथ से ऑरेंज और गाजर का जो ना मिक्स है, लेकिन बहुत कड़वा है ये। बात कर रहा हूँ कैसे है? फ्रेश तो नहीं है, कड़वा है ये, गंदा। फाइनली क्या हो गया? सो फाइनली गाइस, आइसक्रीम जब हम खा चुके हैं, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम शाज़ेब, लेकिन हम जो है आपकी ट्रीट का थैंक यू कल करेंगे, ठीक है? बदमाशी से हमने नहीं की, हमने अपना हिस्सा मांगा, अपना हक मांगा है। तो हैर जी, ट्रीट जो है आपके साथ अब शेयर करेंगे हम अगले व्लॉग में। सो अगर हो गई और अगर अच्छी हुई तो सो सो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। My own world of make-believe.